नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं स्कर्ट लेकर आई हूँ। स्कर्ट टॉप की वीडियो है, एक पहला पार्ट मैंने बनाया है। ये है, मैंने स्कर्ट बनाई है, ये देखो। ये नीचे जहाँ से शुरू होके दो पार्ट बनते हैं, आगे और पीछे का हिस्सा, और फिर आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। जो 2 से 3 साल के बच्चे का है, ऐसे खुलती है डिजाइनर फ्रॉक। स्कर्ट है जो बनी मेरी, ये देखो। ऊपर मैंने इलास्टिक डाली है, ये देखो, ब्रीक वाली इलास्टिक डाली है। बीच में मैंने रिबन डाला, या मैंने एक मोती लगा दिया, ये देखो। पीछे से ऐसे आगे से, चलो आपको बनाना सिखाते हैं। बनाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी देना। बहुत सरल है, मैंने फ्रिल सी बनाई है, इसमें मैंने रिबन परोया है, ये वाला। स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो, 40 फंदे मैंने डाल के, एक सीधी, एक उल्टी और एक मैंने सीधी सिलाई डाल ली। अब हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में हमने क्या करना, सीधी सिलाई बुननी है। सीधी सीधी सिलाइयां हैं सारियां। ये हमारी उल्टी सिलाई है, 3 सिलाइयां मैंने बुन ली है, चौथी सिलाई है। अब चालीस फंदे डाले थे और मैंने 20 फंदे इधर कर लिए। 20 फंदों के बाद हमने वापस इधर बुनना ना, एक फंदा उतारा, बीस फंदे बुनने हैं और वापस पीछे हो जाना। सीधी सिलाई है हमारी, उल्टी, जितने हमारे 20 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना, 2 फंदे आगे और ले लेने, एक और दो। ये वापस फंदा उतारा, अब 20 थे, अब 22 हो गए।
उल्टी सिलाई, दो साइडा बनानी है ना हमने, एक उल्टी सिलाई में बनेंगे, एक सीधी सिलाई में बनेंगे। ये दो फंदे बुन लिए, अब दो फंदे आगे और ले लेंगे, ऐसे वापस। दो दो फंदे करके हमने पूरे फंदे आगे तक ले जाने। ये देखो आगे दो फंदे अपने और ले लेने वापस। ये देखो वापस फिर हम वहीं पहुंच गए, अब दो फंदे आगे और ले लेने, उल्टी सिलाई पूरी सीधी, उल्टी सिलाई सीधी सिलाई पूरी सीधी, फिर उल्टी सिलाई में ये देखो 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 छः सिलाइयाँ हो जाएंगे। तो आपने दो इधर साइड में दो का एक करना, देखो अब उल्टी सिलाई पूरी। फिर दो फंदे आगे ले लेने, दो दो फंदे करके अपने पूरे फंदे बुन लेने। ये देखो ऐसे बनेगा, मैंने एक पास एक साइड बना कर रखी हुई है, ये देखो। यहाँ से ऐसे वी शेप बन जाएगी। ये छह सिलाइयों में एक फंदा हमने बंद किया, फिर छह सिलाइयों में एक फंदा बंद कर लेना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
चार फंदे हमने बंद करने हैं, एक दो तीन चार यहाँ तक आ जाएंगे। ऊपर 18 फंदे आपने रखने हैं, 20 टाले सॉरी ऊपर आपने 36 फंदे कर लेने, 40 टाले थे हमने, चार फंदे हमने एक एक करके बंद कर देने, ऊपर 36 फंदे रख लेने। ऐसे आपने दो दो फंदे करके पूरा आगे तक कर गया, फिर पूरा आपने बुनना। छः सिलाइयों के बाद एक फंदा आपने बंद करना, चार फंदे बंद करने हैं आपने, चार फंदे बंद करके बाकी आप बिल्कुल सिंपल बना लो ऐसे। ये देखो ऐसे पूरा बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। इतना बना लो, दूसरा मैंने एक पल्ला बना लिया, दूसरा बना रही हूँ। यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये देखो जी मैंने दोनों हिस्से मेरे बन गए। लंबाई अपने बच्चे के हिसाब से रखनी है आपने। यदि दोनों बन गए, यहाँ से ऐसे वी शेप बन गई। अब क्या करना, एक दो तीन चार पाँच छ 7, 8, 9 और 10, 10 फंदे अपने इस सिलाई में डाल लेने। इसके ऊपर ऐसे ये देखो दस फंदे हमने दोनों का एक 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 कर देने, एक दो तीन चार पांच छ 7, 8, 9 और 10। देखो इसके ऊपर ऐसे आ गया। ये तुम्हारा आगे वाला हिस्सा बन गया। अब बनाएंगे हम पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाला, इसके लिए पीछे वाले हिस्से के लिए मैंने 70 फंदे डाल के दो सिलाइयां सीधी खींच डाली हैं। अब क्या करना है, देखो दो तीन चार पाँच छ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
ये 25 फंदे, हम 50 फंदे हमने इधर कर ले, सॉरी 25 फंदे हमने इधर कर लिए और 25 फंदे हमने इधर करने हैं, बीच वाले फंदे हमने 20 फंदे रखने हैं। जी हमारे 25 फंदे हैं, 25 फंदे इधर वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये देखो 25 फंदे हमारे इधर हो गए, 25 फंदे हमारे इधर हो गए, 20 फंदे हमने बीच बुन लिए और 25 फंदे हमारे ये वाले हैं। अब वापस दोनों तरफ 25-25 फंदे हमारे आ गए, सेंटर वाले फंदे हमने 20 फंदे बुनने हैं। अब जो फंदे हमारे 25 छोड़े थे इसमें 2 फंदे हम इधर ले लेंगे, 1 और 2 वापस, और इधर भी हम 2 फंदे ले लेंगे, 1 और 2 वापस। ऐसे दोनों तरफ से हमने 2-2 फंदे साथ रलाते जाना। फिर 2 फंदे आ गए, और फिर 2 फंदे आगे। ऐसे पूरे आपने दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते जाना, पूरे एंड तक ले आने, 2-2 फंदे,
ये देखो दो फंदे फिर आ गए, देखो ऐसे बनेगा। अब पूरे ऐसे दोनों तरफ फंदे बढ़ाते बढ़ाते पूरा एंड तक कर लेना, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इतना कर लो फिर आपको दिखाती हूँ, पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने पीछे वाला हिस्सा बना लिया, ये देखो जिस तरह पीछे आगे वाले हिस्से मैंने ना 6 के बाद एक फंदा इतने बंद किया था, 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24, ऐसे एक एक फंदा है जहाँ भी बंद करते जाना दोनों तरफ से, इधर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ से। उसके बाद आपने बिल्कुल प्लेन बुन लेना। ये देखो अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाला हिस्सा भी है ना वो इसके साथ ही हम बना लेंगे। ये आगे वाला हिस्सा है ये देखो, और ये पीछे वाला, अब इसके साथ पूरी सिलाई ऐसे ही इसके साथ बना लेंगे। पीछे हमने 70 फंदे डाले थे, ऊपर हमने 66 फंदे हो गए हमारे, चार 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 फंदे इधर से, चार फंदे हमारे उधर से, दोनों तरफ से चार चार फंदे हमने बंद करने हैं। दोनों आगे और पीछे वाले हिस्से इकट्ठे हो गए, अब हमने उसके ऊपर बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधे उल्टे का हमने बॉर्डर बनाना है। जी हमारी बेल्ट बन रही ऊपर वाली, दोनों तरफ से सीधा उल्टा हमने बनाना, धागा आगे करके उल्टा, धागा पीछे करके सीधा, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा, सीधे उल्टे का बॉर्डर बना के थोड़ा सा हम बेल्ट की तरफ तरह आपको थोड़ा सा बनाकर आपको फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। आप भी बॉर्डर पूरा बना लो, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखो पूरी तैयार हो गई, ऊपर मैंने पूरा बॉर्डर बनाकर बंद कर दिया। ये मैंने कितनी सिलाई डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिलाइयाँ डाल के मैंने बंद कर दिया, और साइडों में मैंने ये देखो सिलाई कर दी दोनों तरफ से। अब हमने क्या करना, अब हम यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे। देखो इतने फंदे मैंने उठाए हैं और आगे उठाने ऐसे, एक फंदा उठा लिया फिर धागा आगे करके एक जाली भी था साथ में डाल ली, क्योंकि हमने बनानी है फ्रिल, फ्रिल बनाने के लिए फंदे ज़्यादा चाहिए और हमने इसमें डोरी डालनी है इसलिए नाल नाल जाली डाल लेंगे। धागा आगे करके एक फंदा ऐसे, एक फंदा ही बढ़ गया और हमारी जाली भी डल गई। धागा आगे क्योंकि हमने बनानी फ्रिल,
यहाँ से शुरू होकर यहाँ पीछे ऐसे पूरा राउंड तक हमने जहाँ तक फंदे उठाने हैं और सीधी उल्टी सिलाइयाँ डालनी है। धागा आगे करके आपने के एक जाली डाल लेनी है क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने थे। ऐसे धागा आगे सीधी उल्टी सिलाइयाँ डालनी। ऐसे आप पूरे उठाकर सीधा उल्टा बना लो। फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। पूरे राउंड में आपने फंदे उठाने हैं। ये देखो फ्रिल बन गई। अब हम इसे पूरा बंद कर देंगे। बिल्कुल सिंपल। ये देखो पूरा बन गई। ये देखो ऐसी फ्रिल बन गई। ये देखो अब इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। ऐसी इलास्टिक आती है ब्रीक, वाइट कलर की भी आती है और ब्लैक कलर में भी आती है। ऊपर हमने बेल्ट बनाई थी ना, उसमें हम डाल लेंगे ऐसे। इसमें क्या होएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगी। ऐसे ये देखो आप तो पूरी ऐसे पूरे इसमें ऐसे डालते जाओ और ऐसे फ्रिल में ऐसे लास्ट थोड़ा टाइट हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे रिबन। ये देखो जैसे फ्रिल है ऊपर से शुरू करके ऐसे। जो हमने जाली डाली थी उसके अंदर अंदर आप ऐसे रिबन प्रो दोगे। सारी ऐसे फ्रिल रिबन प्रो कर जहाँ से आप फुल बना दोगे। इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे इसके ऊपर वाला टॉप। ये मैंने बना ली है। दूसरी वीडियो में आपको वो पोर्ट आपको ऊपर ला टॉप बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।